गांधीवी लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत 5 एकड़ में बनाया गया स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे उद्यान का उद्घाटन भाजपा पर्यटन कौशल विकास व पालक मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा के हाथों किया गया। इस मौके पर स्थानीय विधायक अतुल भातलकर, सांसद गोपाल सेट्टी, स्थानीय पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल खास तौर पर मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि विधायक अतुल भातलकर का प्रकल्प संकल्पना उनके ही मार्गदर्शन में पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल के संयुक्त प्रयत्नों से स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे उद्यान पूरे 5 एकड़ में सभी नागरिकों को स्वस्थ और अच्छे शुद्ध वातावरण को ध्यान में रखते हुए सभी सुविधाओं की व्यवस्था के साथ बनाया गया है, जहां अंतर्राष्ट्रीय स्केटिंग, नाना नानी पार्क, बच्चों के लिए मनोरंजन उद्यान, एम्पी थिएटर, योगा सेंटर जैसी तमाम सुविधाएं स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे उद्यान में एक साथ उपलब्ध हैं। इस मौके पर पर्यटन कौशल विकास व पालक मंत्री श्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने बांद्रा के जियो उद्यान के बाद मुंबई के सबसे अच्छे उद्यान स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे उद्यान को बताया है और स्थानीय विधायक अतुल भातलकर और पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल के सराहनीय कार्यों की तारीफ की। विधायक अतुल भातलकर और पूर्व नगर सेविका सुरेखा मनोज पाटिल ने कार्यक्रम में आए सभी लोगों का आभार प्रकट किया तो वहीं स्थानीय जनता ने भी उद्यान को लेकर अपनी खुशी का इजहार किया। पेश है सुप्रीम टीम संवाददाता रितेश तिवारी की एक खास रिपोर्ट। आए हैं ऐसे आज के इस प्रोग्राम के हीरो श्री अतुल भातलकर जी, हमारे लोकप्रिय सांसद श्री गोपाल सेट्टी जी, जिनके वार्ड में ये काम हुआ और इस काम में जिनका बहुत परिश्रम भी था, ऐसे हमारी नगर सेविका सुरेखा पाटिल जी, अपा वेलगोटर जी, हमारे जिलाध्यक्ष गणेश खनकर जी, वार्ड अश्विन अय्यर, सुधीर शिंदे जी, सम्मानित मंच बड़ी संख्या में जमा हुए यहाँ पर स्थानीय नागरिकों, कार्यकर्ता, भाइयों बहनों, मुंबई के अंदर कोई आए और वो यदि गार्डन देखने को जाए तो मैं विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि आज जो बेस्ट गार्डन मुंबई के अंदर गिना जाता है वो बांद्रा का जियो गार्डन है। अभी कोई जियो गार्डन देखने के बाद में कोई मुंडे उद्यान में आ जाएगा तो नंबर वन आपके मुंडे उद्यान को, गोपीनाथ जी मुंडे उद्यान को मिलेगा। इतना सुंदर गार्डन कल्पना से भी बाहर, जब तक मैं आया नहीं था गोपाल जी, मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि इतनी सुंदर जगह पे आ रहा। आप लकी हो जो आपको ऐसे नगर सेवक मिले, ऐसे आमदार मिले। क्यों होते हैं कि उत्तर मुंबई में हम लोगों ने गार्डन डेवलपमेंट का काम मैंने शुरू किया, मैं तो बहुत लंबे समय से काम करता हूँ, लेकिन अतुल भातलकर जी ने बहुत ही कम समय में 8 साल में पिकअप करते हुए मेरे से भी आगे बढ़ रहे हैं। और कोई नेता को जब अपने साथ में काम करने वाले कार्यकर्ता आगे बढ़ते हैं तो बहुत खुशी होती है, वो खुशी मुझे आज हो रही है। ये जो भूखंड है वो डीपी में आरक्षित था लेकिन खंडार होके पड़ा था, जैसा विलासराव देशमुख 9 एकड़ का मैदान था वो भी खंडार होके पड़ा था, तो वो भी मैंने डेवलप किया। ये गार्डन के लिए भी जैसा मैंने कहा कि अलग अलग प्रकार की कल्पना आगे आ रही थी, आखिर में नेचुरल ब्यूटी मेंटेन करते हुए ये गार्डन हमने आज विकसित किया है। साथ साथ में मुंबई के किसी भी गार्डन में नहीं होगा वैसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्केटिंग की भी एक व्यवस्था हमने की है, जिसकी क्रेज़ सिर्फ बच्चों में नहीं है तो युवक युवती ऐसे सभी लोगों में रहती है, तो वो भी एक सुविधा उपलब्ध किया की है। एमपी थिएटर का भी हमने उधर निर्माण किया है कि यहाँ के सभी लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम वहाँ कर सकते हैं, और उसके लिए मुझे लगता है कि जो लोगों को हक की बात है वो हमने देने का काम किया है, और इसके लिए मैं बहुत इसके लिए समाधानी हूँ, और उसको हमने हमारे नेता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का नाम है। गार्डन में जाने के लिए आने के लिए कोई किसी प्रकार का चार्ज नहीं है क्योंकि वो महानगर पालिका की पॉलिसी है और इसके लिए उसमें कोई चार्ज का सवाल आता ही। मैं आज बहुत खुशी से कहूँगी कि आप मेरा इंटरव्यू ना लोगों का इंटरव्यू लो, आज पब्लिक देखो, मतलब खुद पब्लिक आई थी कि आज इतना सुंदर गार्डन यहाँ पे बनाए हैं। आपने देखा होगा कि बड़े पैमाने से ऊपर से नीचे आने तक आधा घंटा लगता है, उसमें सभी सुविधा दी है, और ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ मराठवाड़ा समाज बहुत ज़्यादा है, ये देखते हुए इस गार्डन को स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी का नामकरण आमदार अतुल भातलकर साहब, गोपाल सेट्टी साहब, इनके मार्गदर्शन पे यहाँ दिया है। और आज का डेवलपमेंट इस गार्डन का अगर नेचुरल ब्यूटी आप देखोगे तो सही में सबसे बड़ी दिव्य जीत थी। और आज आपने महिला देखे होंगे, कभी भी आप प्रोग्राम देखते होंगे तो सबसे ज़्यादा महिला का ज़्यादा लोग यहाँ पर रहते हैं, इसलिए मुझे इस बात की खुशी है कि कहीं ना कहीं आज जो कुछ हूँ मैं उन सभी की वजह से।
सुविधाओं की बात करें तो क्या क्या सुविधाएं हैं गार्डन में? इस गार्डन में अगर आप देखे जाएंगे तो एक नाना नानी पार्क सुंदर बना है, बच्चों को खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने हमने रखे हैं। आगे जाएंगे तो यहाँ पे एमपी थिएटर रखा है कि जहाँ आजू बाजू के परिसर के जो भी बच्चे डांस क्लास लेते हैं, म्यूजिक है, कहीं लोग महिला एक सुंदर कांड करती है, कोई प्रोग्राम होते हैं, योगा होता है, तो यहाँ पे एक एमपी थिएटर सुंदर सा हमने बनाया है। उसके साथ साथ बहुत जन सवेरे योगा करते हैं तो योगा के लिए एक बड़ा गजोबो हमने बनाया है। उसके आगे आएंगे तो अतुल जी के माध्यम से यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय लेवल के स्केटिंग ग्राउंड बनाए हैं, वो बहुत सुंदर हैं। मैं सभी चाहूँ कि सभी का आज के प्रोग्राम में सभी जन ने जितने जनों ने मेहनत की आपके माध्यम से, मेरे सभी बीजेपी के टीम को और आने वाली सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। लोखंड वाले में इतना बड़ा गार्डन, 5 एकड़ में गार्डन बोलेंगे तो इतनी खुशी है। और आज जो पब्लिक थी तो उनको देख के अतुल जी को भी बहुत खुशी हुई कि हाँ आज उनकी जो मेहनत है सुरेखा मैडम की और अतुल जी की वो सफल हो गई। नाना नानी पार्क, स्केटिंग गार्डन, मतलब इतना सारी सुविधा है कि हम लोग ने आज से ही फिक्स कर लिया कि कल 5:30 बजे हम लोग यहाँ वॉकिंग और जॉगिंग के लिए आएंगे। थैंक यू सो मच। जो कॉन्सेप्ट था सुरेखा पाटिल जी का, उनका स्लम एरिया से एक अच्छा गार्डन बनाना जो कि 5 एकर्स का है, आई गेस कांदिवली में सबसे बड़ा गार्डन है जो कि बना है, एंड जो भी स्लम एरिया से बना है और उनको अपॉर्चुनिटी देना जैसे डांस का, स्केटिंग का, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट लगा मुझे। मतलब टोटली स्लम एरिया से ऐसे बनाना और इतना वेल डेवलप करना वो काफ़ी एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, तो इसके लिए मैं उनको बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। और वो हर टाइम अच्छा ही कॉन्सेप्ट लाते हैं तो इसलिए थैंक यू। मैंने अभी प्रोग्राम अटेंड करने के बाद अभी गार्डन का पूरा राउंड लगाया मैंने यहाँ पे। रितेश जी, मैंने ये जो गार्डन है ना ये पूरा 5 एकड़ के एरिया में बना हुआ है। इतना बड़ा गार्डन और कितना खूबसूरती से बनाया गया है इसको, और इसके अंदर जो स्केटिंग जो है वो पूरा अंतर्राष्ट्रीय स्टैंडर्ड का दिया गया है। और जैसे अतुल जी सर ने भी डिक्लेयर किया कि उसमें कोई शू का जो है कोई चार्ज नहीं लगेगा, ये एक बहुत बड़ी बात है। नहीं तो नॉर्मली किधर भी जाते हैं तो वहाँ इसके चार्जेस अलग लगते हैं, उसके चार्जेस अलग लगते हैं, तो ये प्लस इसके अंदर जो है जो एमपी थिएटर वगैरह है उसकी भी व्यवस्था की गई है। नाना नानी पार्क भी है, इसको पूरा घूमने के लिए कम से कम घंटे का समय लगेगा। और मैं चाहता हूँ ये जो यहाँ के जो रहवासी हैं लोखंडवाला टाउनशिप के, वो बहुत बड़े भाग्यश्री, मतलब उनका बहुत भाग्यश्री हैं जिनकी उनको ऐसे यहाँ के जो MLA जी मिले हैं, सांसद मिले हैं, अपनी नगर सेविका मिली हुई हैं, जो कि इनके प्रयास से इतना अच्छा खूबसूरत जो है गार्डन के नसीब में आया है। और इसको देखने के लिए मैं बस इतना है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आम जनता से कि इसको अच्छे से मेंटेन करें, जिस खूबसूरती से इन्होंने बनाया है, हाँ जी, उसकी खूबसूरती बरकरार रखें। तब मैं इतना साफ सफाई इस तरीके से, और मैं बाकी के जो भी आपके माध्यम से बाकी के लोग बाहर के लोगों को भी बोलूँगा वो भी आके देखें ताकि उनके भी एरिया में इस तरीके के बना। आज की तारीख में मैंने जो भी मुंबई के काफ़ी कुछ गार्डन में घूमा हूँ, अगर मैं देखा जाए तो बांद्रा का छोड़ के, जियो का गार्डन छोड़ के, बाकी जैसे राजेश खन्ना गार्डन भी देखा हुआ अपने सांता क्रूज में, बाकी के भी जू के भी देखे हुए हमने, नंबर 1 गार्डन है ये, नंबर 1, यस, ये मैं चैलेंज करता हूँ इस बात को जो है ना। और अगेन मैं शुक्रिया अदा करूँगा यहाँ के MLA अतुल जी का, सुरेखा पाटिल जी का, सांसद गोपाल शेट्टी का, इन्होंने जिस तरीके से ये सौगात दी है इधर के लोगों के लिए, वो बहुत बहुत धन्यवाद उनका। थैंक यू।